नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे अभिषेक बच्चन की फिल्म दसवीं की, जो कि रिलीज हो गई है। दोस्तों फिल्म कैसी है, फिल्म क्या जो उम्मीदें लगाई गई थी उन उम्मीदों को पूरा करती है, और क्या गंगा रामचोर जी के रोल में अभिषेक बच्चन ने एक बार फिर से कमाल किया है। इन सब सवालों का जवाब आपको इस रिव्यू में मिलने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट की। दोस्तों इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, यामिनी गौतम तथा निमरत कौर प्रमुख भूमिका में, साथ ही दोस्तों अरुण कुशवाहा का भी एक जबरदस्त रोल फिल्म में। दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट किया है तुषार जलोटा ने, जिनकी डेब्यू फिल्म हुई। दोस्तों फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजान ने अपनी फिल्म कंपनी मेडॉक फिल्म्स के अंतर्गत। दोस्तों वो इससे पहले स्त्री, लुखा, छिपी, मिमी जैसी जबरदस्त हिट फिल्में दर्शकों को दे चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, फिल्म की स्टोरी कैसी है। तो दोस्तों फिल्म की स्टोरी के बारे में बता दूं आपको कि ये फिल्म एक सोशल कॉमेडी ड्रामा है। दोस्तों इसमें अभिषेक बच्चन एक हरित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जाट चीफ मिनिस्टर के रोल में, जिनका नाम गंगाराम चौधरी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आठवीं पास है केवल, टीचर भर्ती घोटाले में उनका नाम आ जाता है तो साहब जेल पहुंच जाते हैं। जेल में दोस्तों उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक हवलदार है जो उनको एक विशेष व्यवहार करता है उनके साथ, उनको सारी सुख सुविधाएं जेल में मुहैया कराई जाती है। लेकिन दोस्तों जो जेलर है, जो जेल की जेलर है यामिनी गौतम, जिनका नाम ज्योति देसवाल, बहुत ही कड़क है, ईमानदार, अनुशासित है, वो दोस्तों अभिषेक बच्चन से वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि एक आम कैदी के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से फिल्म टर्न करती है, और दोस्तों जब ज्योति देसवाल और अभिषेक बच्चन की झड़प हो जाती है और वो उनकी शिक्षा का मजाक उड़ाती है कि आप केवल आठवीं पास है, तब अभिषेक बच्चन दसवीं की परीक्षा देने की ठानते हैं जेल से। साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि चलो इस बहाने जेल का काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में वो इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन बाद में सीरियसली वो दसवीं की एग्जाम देते हैं, किस प्रकार तैयारी करते हैं, ये सब कुछ फिल्म में दिखाया गया है। और दोस्तों इसी के साथ एक और प्लॉट चलता है कि अभिषेक बच्चन के जेल जाने के बाद में उनकी पत्नी विमला देवी, जिसका किरदार निमरत कौर ने निभाया है, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर की गद्दी ऐसी होती है कि जो एक बार चिपक जाता है तो दोस्तों फिर वहां से हटना चाहता नहीं है। तो दोस्तों अब वो चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना नहीं चाहती है और वो चाहती है कि हमेशा चीफ मिनिस्टर वो ही रहे। तो साथ में दोस्तों वो प्लॉट भी साथ साथ चलता रहता है। दोस्तों फिल्म का कहानी का जो प्लॉट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, और दोस्तों लीक से हटकर है, और दोस्तों एक्सपेरिमेंटल भी आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों जहां तक फिल्म के डायरेक्शन की बात करें, तुषार जलोटा का डायरेक्शन एक क्लास है, सुपर्ब है, लगता नहीं कि ये उनकी पहली फिल्म है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, आपको बांध के रखता है। एक बार आप फिल्म देखना शुरू करते हैं आप अंत तक फिल्म देखना चाहेंगे। जहां तक दोस्तों फिल्म के विजुअल्स की बात करें, दोस्तों बहुत ही शानदार विजुअल्स है, आगरा सेंट्रल जेल के जो दृश्य दिखाए गए हैं, साथ ही जो लखनऊ में शूटिंग की गई है कमाल के है, काफी अच्छी तरीके से पिक्चराइज किए गए हैं। वही दोस्तों कैमरा वर्क भी बहुत ही बेहतरीन है और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी तो कमाल की है। और दोस्तों फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फिल्म के डायलॉग्स इतने बेहतरीन है, इतने अच्छी तरीके से लिखे गए हैं और कैरेक्टर्स के हिसाब से लिखे गए हैं, हरियाणवी टच देते हुए लिखे गए हैं, बड़े ही मजेदार लगते हैं आपको, कई जगह हंसाते हैं, कई डायलॉग बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही धमाकेदार है। विशेषकर अभिषेक बच्चन के जो डायलॉग लिखे गए हैं बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं। तो दोस्तों ये तो थी फिल्म के सारे प्लस पॉइंट्स। और दोस्तों जहां तक फिल्म के म्यूजिक की बात कर लेते हैं, दोस्तों फिल्म का म्यूजिक सचिन जिगर ने दिया, और दोस्तों बहुत ही शानदार मेलोडियस म्यूजिक सचिन जिगर ने इस फिल्म में दिया है। फिल्म के गाने ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुके हैं और यूट्यूब पर काफी धूम मचा रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन दोस्तों फिल्म में गानों की जरूरत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी अच्छी है कि गाने अगर फिल्म में नहीं भी होते तो फिल्म उतनी ही अच्छी बनती, अगर फिल्म में गाने नहीं भी डालते तो भी फिल्म एक बेहतरीन फिल्म ये साबित होती। तो दोस्तों कुल मिलाकर दसवीं एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, मास्टरपीस फिल्म है, जो न केवल आपको कॉमेडी के साथ हंसाएगी, मतलब हंसने का पूरा मौका देगी, बल्कि दोस्तों इसमें एक मैसेज भी है। मैसेज क्या है दोस्तों, मैसेज ये है कि एक तो शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा आप किसी भी उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कि जो भ्रष्ट पॉलिटिशियन है या हमारे जितने भी नेता है उनमें से बहुत से पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा शिक्षित नहीं है, तो दोस्तों उनको भी शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी तो दोस्तों वो आईएएस ऑफिसर, आरएएस ऑफिसर, बड़े बड़े अफसरों को डील कर पाएंगे। अगर वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो वो किस प्रकार उनको डील करेंगे, ये भी एक फिल्म में मैसेज दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जिसमें रट करके पास होने की विद्या बताई गई है, उसके ऊपर भी फिल्म में करारा व्यंग है। तो दोस्तों फिल्म एक काफी अच्छा मैसेज देती है, राजनीति के दाव पेंच के बारे में बताती है कि किस प्रकार एक पत्नी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में अपने पति के बारे में ये सोचती है कि वो जेल से बाहर ही नहीं आए और चीफ मिनिस्टर में ही बनी रहूं। तो दोस्तों काफी अच्छा प्लॉट है और काफी मजेदार तरीके से व्यंग्यात्मक रूप में
एक फिल्म पूरी बनाई गई है। ये फिल्म बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छी है, मास्टरपीस है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर शिक्षक को, हर स्टूडेंट्स को, साथ ही हर नेता को, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या मिनिस्टर हो, सभी को ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और सभी के लिए ये मस्ट वॉच मूवी है। आप इस फिल्म को दोस्तों फैमिली के साथ देख सकते हैं और बहुत अच्छी फिल्म है। बस मेरी शिकायत ये इतनी है कि इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद आपने इसे थिएटर्स में रिलीज क्यों किया? काश इस फिल्म को हम बड़े पर्दे पर, बिग स्क्रीन पर देख पाते। दोस्तों अब बात करते हैं कलाकारों के परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों कलाकारों में सबसे पहले बात करूंगा अभिषेक बच्चन की। दोस्तों क्या एक्टर है ये, एक कमाल का एक्टर है, वर्सेटाइल एक्टर है। दोस्तों मन मर्जिया में, पंजाबी सिख के रूप में, दोस्तों उसके बाद में वो विश्वास के अंदर बंगाली टच ली हुई किरदार, इसके अलावा बिगुल में गुजराती टच ली हुई किरदार, और अब हरियाणवी ठेठ हरियाणवी बोलते हुए अभिषेक बच्चन लगता है पूरे देश को जीतने निकले। हर तरह के रोल प्ले कर रहे हैं ये कलाकार। हर फिल्म में एक नया लुक लेके आ रहा है, नया गेटअप के साथ आ रहा है और नए अंदाज के साथ आ रहा है, और हर करेक्टर में डूब जाता है। इस फिल्म में भी आप शुरू शुरू में आपको कुछ मिनट के लिए अभिषेक बच्चन दिखाई देंगे, उसके बाद में केवल आपको गंगाराम चौधरी ही नजर आएंगे, और उनका गेटअप, कुर्ता पायजामा पहने, सिर पे पगड़ी लगाए हुए और हरियाणवी अंदाज में बोलते हुए उनका अंदाज बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों अभिषेक बच्चन एक अच्छे कॉमेडियन तो है ही, कॉमेडी तो बहुत सुपर करते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग तो गजब है ही, साथ ही दोस्तों इमोशनल सीन में भी वो बहुत ही बेहतरीन नजर आते हैं। और दोस्तों अभिषेक बच्चन ने एक बार फिर से अपने उन आलोचकों को करारा जवाब दिया है जो उनको अच्छा एक्टर नहीं मानते थे। दोस्तों ये कलाकार, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सुपर स्टारों से भी बहुत ही बेहतरीन है, केवल उनको मौका दिए जाने की जरूरत है। और एक कलाकार जरूर कमाल करेगा, अपने पिता का नाम जरूर रोशन करेगा, वो कर रहा है। दोस्तों मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको, अभिषेक बच्चन के लिए ये फिल्म, उनके करियर के लिए ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। और अब मैं चाहूंगा कि अभिषेक बच्चन अपनी अगली फिल्म थिएटर्स में रिलीज करे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने आप को बहुत हद तक प्रूव कर दिया, लगातार प्रूव कर रहे हैं वो, अपने अलग अलग तरह के जो रोल निभा रहे हैं, अलग अलग तरह के जो किरदार्स प्ले कर रहे हैं, और कितने लाजवाब तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों ये फिल्म देखने के बाद में मेरे हिसाब से कोई भी उनका घोर से घोर आलोचक भी ये नहीं कहेगा कि अभिषेक बच्चन ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है। दोस्तों जहां तक अन्य कलाकारों की बात करें, निमृत कौर ने विमला देवी के रोल में बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। वहीं दोस्तों यामी गौतम ने भी एथरेस्टे के बाद में एक बार फिर से इस फिल्म में अपने अभिनय से काफी प्रभावित किया है। वहीं दोस्तों फिल्म के जो बाकी कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने छोटे छोटे रोल में अपने अभिनय के साथ न्याय किया, चाहे वो अरुण कुशवाहा हो या और अन्य कलाकार हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि दसवीं फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है। अगर आप बॉलीवुड की रूटीन फिल्मों से, जो रोजाना जो रोमांटिक फिल्में और जो बिना सिर्फ फेयर की फिल्में आती है जिसमें कोई स्टोरी नहीं होती, केवल एक्शन रोमांस से भरपूर फिल्में होती है, उनसे अगर उब गए हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखिए। ये फिल्म एक ताजा हवा के झोंके की तरह है और ताजगी लिए हुई है। तो दोस्तों ये फिल्म आपको काफी अच्छी लगेगी, पूरे परिवार के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं। और दोस्तों काफी अच्छी फिल्म है, मैं तो ये कहूंगा कि एक मस्ट वॉच मूवी है। तो दोस्तों गंगाराम चौधरी दसवीं में पास हो गए हैं और इसलिए उन्हें कम से कम 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 तो देना बनता ही है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।